बसमिलबी नस्तायदिनबी तस्लिमा नसीम सब का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत है आज के इस दरस में आ, हम बात करेंगे दरूद नारिया से मुतलक़ बाद बड़े खूबसूरत मुशाहदों को लेकर ये बात पहले हम कई ब्लॉग्स जो हमने इस सिलसिले में बनाए थे वहाँ हम इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि नारिया बहुत ही लाजवाब चीज है चरूद नारिया के जरिए से जो मसले हल होते हैं अल्लाह के करम और फजल से वो बिल्कुल ये समझिए बिल्कुल मिसाली होते हैं मैंने तो ये ये तजर्बा किया कि जिन कामों में इंसान बिल्कुल मायूसी के भी इंतहाई दर्जे पर पहुंच जाता है ये मैं अपना अपने तजर्बा आपको बता रहा हूं जिसमें मायूसी के भी इंतहाई दर्जे को पहुंच जाता है कि बस सारे जतन में कर चुका हूं बहुत सारे वजीफे पढ़ लिए ये कर लिया वो कर लिया साहब ये काम हो ही नहीं रहा मैंने देखा है अल्लाह के फजल से हैरत अंगेज़ तौर पर वो काम भी हल हो जाता है अजीब बात देखिए मतलब ये समझिए कि अभी हाल ही में बात बा, ऐसे पेश आए कि उसमें दरुद नारिया का से काम लिया गया दरुद नारिया को पढ़ा गया या पढ़वाया गया अपने अहबाब के दरमियान में उन हाजात के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे तरीके पर कामों को बनाया कि सोचा भी नहीं जा सकता था यकीन सोचा ही नहीं जा सकता था और जब दरुद नारिया की बरकत से दुआ हुई तो फिर यकी बात दीगर है मुतद खुशियां भी नहीं फिर अल्लाह के फजर से और फिर उसमें एक एक में कितनी कितनी छुपी हुई होंगी भाई होता है ना भाई एक मकान बनाया तो इसके बाहर वालों को तो लग रहा है मकान है मकान के अंदर तो रोशनदान भी है कमरा ये भी है वो भी है वो भी ऐसा होता है ना तो एक चीज के अंदर फिर बहुत होती होते तो अल्लाह बेहतर जानता है कि फिर उन खुशियों के दरमियान में फिर कितनी खुशियां छुपी हुई होंगी तो मोहतरम जरूर देना अभी दो रोज पहले एक मेहमान तशरीफ लाए और उन मेहमान का ये आलम था उनका जिक्र तो हमने आपसे पहले किया कि वो ढाई सौ या तीन सौ मरतबा खुद बता रहे थे मैंने चाहा था कि आपको नसीम सब में पेश किया जाए लेकिन उन्होंने कहा मुझे मेरे राज को राजी रहने दीजिए मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ तो लोग मुझे जाने ये मैं नहीं चाहता बस मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूँ कि मुझे लोग ना जाने और बस ढक्का छुपा ही रहूँ क्योंकि अल्लाह वाले जो लोग होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वही वो वो अपने अमल को जाहिर नहीं करना चाहते कि भाई मैं भी अल्लाह वाला हूँ मुझे जाहिर नहीं होना होता है ना अल्लाह वालों में अपने को छुपाने का बहुत होता है तो बहरहाल अब वो ढाई सौ तीन सौ मरतबा दरुद नारिया से मुतालिक जो ब्लॉग्स हमने बनाए थे उनमें एक ब्लॉग को ही उन्होंने इतनी मरतबा सुन लिया ये बात पहले जिक्र की थी अब अल्लाह की कुदरत से उनका फोन आ गया कि जी मैं आ रहा हूं। दूर से आए थे पहली मुलाकात थी तशीफ लाइए वो आ गए अब उन्होंने जो दरूद नारिया के मुतालिक बड़ी खूबसूरत बातें बताई और समझिए कि उनको सुनकर तो एकदम दिल बाग बाग हो गया और तबीयत में ये बात छा गई कि भाई दरुद नारिया पर मजीद गुफ्तु की जाए तो माशाल्लाह उन साहब ने दरूद नारिया अब वो मुझसे कह रहे थे भाई फलाए खा जाते हैं उसके सिलसिले में क्या करूं मैंने कहा दरूद नारिया ही को जारी रखिए दरूद उम्मी आप पढ़ते ही हैं उसके साथ साथ आप दरुद नारिया को जारी रखिए जब आप बहुत सारे वजायफ पढ़ चुके हैं और कोई काम आपका नहीं बन रहा है कोई किसी तरह से आपका मसला हल नहीं हो रहा है तो फिर आपको दुरूद नारिया से काम लेना चाहिए अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दरूद उम्मी को भूल गए हैं ये नहीं है इसका मतलब दरूद उम्मी तो दरूद उम्मी है साहब उसकी तो बात ही निराली है उसकी तो बात ही निराली है अगर चलिए दरूद उम्मी की बात है तो एक, एक छोटी सी बात बताता हूँ एक साथी है हमारे तो उन बेचारों को अक्सर सीने में दर्द की प्रॉब्लम होती है अब वो जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं टेस्ट वगैरह कराते हैं तो कुछ नहीं आता सब नॉर्मल है जी लेकिन वो जब दर्द होता है तो इतना ज्यादा होता है कि वो परेशान हो जाते हैं समझते हैं कभी हार्ट की प्रॉब्लम है कभी कुछ ऐसा तो नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं अब अगर उन पर दरुद उम्मी को पढ़कर दम किया जाता है या दरूद उम्मी का दमशुदा पानी अगर उनके सीने पर लगा दिया जाता है तो आज ही मुझे बताया गया वो कहते हैं कि इतनी जल्दी दवाओं से मुझे रिलीफ नहीं मिलता जितनी जल्दी आ ये जो दम किया जाता है या ये पानी लगाया जाता है जितनी जल्दी मुझे इससे फायदा होता है तो मोहतरम शिफाओं के मैदान में मैंने दरूद उम्मी को एक लाजवाब चीज पाया और हाजात के बाब में जहां दरूद उम्मी एक लाजवाब चीज है ही वो तो ऑलराउंडर है वहीं मैंने दरूद नारिया को हाजात के बाब में कोई ऐसी हाजतें पूरी नहीं हो रही सारे जतन कर लिए नहीं हो रहे उस सिलसिले में मैंने दरूदे ना, दरूदे नारिया को बहुत ही, बहुत ही, ही एक ऐसी लाजवाब चीज़ पाया है जिसके लिए तारीफ के जितने भी मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा वो सारे कम पड़ जाएंगे ऐसी चीज है दरुद नारिया अच्छा हमारे बहुत सारे साथियों ने एक हजार मरतबा वाले अमल को किया देखो मैं एक बात कहता हूं एक हजार मरतबा पढ़ना है तो बड़े मजे की चीज मुझे तो तकरीबन ढाई घंटा लग जाता है बाज लोगों को ज्यादा लगता है किसी को पांच घंटे छह घंटे भी लग जाते लेकिन हर आदमी एक हजार मरतबा योमिया तो नहीं पढ़ सकता ना फिर कैसे हो जी कैसे पढ़े <coughs> बड़ा ही आसान फॉर्मूला बता रहा हूं दरुद नारिया के हवाले से आप ऐसा करें अपने सब अहले खाना को बिठाएं और दरुद नारिया आ, हमारे पिछले व्लॉग्स को जरा सुन लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी यहाँ तो हम ऐसी भी थोड़ी बहुत ही बात कर रहे हैं तो दरुद नारिया की एक एक कागज पे या तो लिख लें या उसकी फोटोशेट निकलवा लें या अगर कई लोग हैं और उनके पास कई फोन हैं तो सबके फोनों में उसको डाल दें जैसे भी आपको सहूलत हो तो। वैसे फोन के मुकाबले कागज का मशवरा ही ज्यादा देता हूँ फोन में वो रूहानियत नहीं होती कागज की बात और होती है तो अब ये सारे के सारे लोग एक साथ बैठ कर चार हजार चार सौ चवालीस अदद को पढ़ें कम ज्यादा ना हो अपने अपने अदद की हिफाजत रखें आप देखेंगे इन रहमान तजर्बा यही है अभी तक का 4,444 मर्तबा पूरा नहीं हुआ होगा अगर आप तीन चार दिन में पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ने वालों में अकेला पढ़ रहा हूँ मिसाल के तौर तो पर अब मैंने सोच लिया है कि मैं मसल पांच 500 रोजाना पढ़ूंगा तो अब मुझे हफ्ता दस दिन लग रहे हैं तो इनशा ये हफ्ता दस दिन में चार अभी हुआ नहीं होगा कि फजल खुदाबंदी से आपकी हाजत आपकी झोली में पड़ी हुई होगी इनशा अभी तक जितनी मरतबा भी पढ़ा पढ़वाया है अल्लाह ने इसी तरह से वादा है जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चार हजार चार सौ चवालीस का आदत पूरा नहीं हुआ होता कि अलहमदल बंदे बंदा जो है अपनी हाजत जिसमें परेशान होता है उससे नजात पा चुका होता है अब आपको सवाल ये पैदा होगा कि अगर हमारी हाजत दरमियान में पूरी हो जाए और अभी इतना आदत पूरा नहीं हुआ था और हमारी हाजत पूरी हो अब हम क्या करें मेरा मशवरा यह है अब तक अपनी हाजत के लिए पढ़ रहे थे अब जरा बतौर शुक्रिया पढ़ लीजिए बतौर शुक्रिया अपने अदद को पूरा कर लीजिए और अगर अदद पूरा हो गया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नामतों के इजाफे के लिए अल्लाह का शुक्र मजा लाइए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ये काम तो होना ही नहीं था आपने फजल कर दिया कर दिया अल्लाह आपने आप ही ने किया अल्लाह हमारी कोई हिसियत अल्लाह के सामने काबिल नहीं बना करो मैंने बड़े पैसे खर्च किए मेरे बड़े काबिल लोग थे कोई काबिलियत नहीं कोई पैसा नहीं पैसों से नहीं होते काम काबिलियतों से नहीं होते काम काबिल लोगों से नहीं होते काम अल्लाह के करने से होता है वो काबिल लोग और वो पैसा और वो सारी चीजें वो तो असबाब के दर्जे में हम इख्तियार करते हैं क्योंकि हमें असबाब इख्तियार करने का मुकल्लफ बनाया गया है लेकिन जब हम असबाब इख्तियार करते हैं तो हमारी निगाह असबाब पर होती है यानी अल्लाह पर होती है असबाब तो हम इसलिए इख्तियार करते हैं कि हमें असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है अगर हुक्म ना दिया जाता तो फिर हम असबाब की तरफ जाने के बजाय हम डायरेक्टली असबाब की तरफ जाते हैं लेकिन अब हम इसबाब इख्तियार करते हैं ताकि इसबाब इख्तियार करने का जो तरीका हमें सिखाया गया है वो पूरा हो जाए और निगाह अल्लाह पर रखते हैं ताकि बंदे का कनेक्शन अल्लाह से न सिर्फ ये के कट ना जाए बल्कि मजबूत हो जाए आप मेरी बात समझ पाए जब आप इसबाब इख्तियार कर रहे हैं तब भी अल्लाह पर निगाह रखो कि इन इसबाब को मंजिल तक पहुंचाने वाला अल्लाह ही है फिर आप देखना आपकी असबाब इख्तियार करने में हजार चांद लग जाएंगे पंख लग जाएंगे पर लग जाएंगे उड़ेंगे आपके अभी चल रहे थे रेंग रहे थे हाँ दुकान खोली तो है चल ही नहीं रही है लेकिन जब दुकान खोली है और निगाह अल्लाह पर है तो फिर ये दुकान दौड़ेगी इंशाल्लाह मसले हल होंगे अल्लाह ने चाहता इसलिए अजीज दोस्तों आपूर नारिया से फायदा उठाएंगे और दरुदिनारिया चार हजार चार सौ चवालीस के अदद को किसी बहुत ज्यादा अटकी फटकी ऐसी मुश्किल के लिए पढ़ा जाए जिस मुश्किल का कोई हल आप तलाश कर करके आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हों और हाजत पूरी ना हुई हो बहुत कीमती तोहफा दे रहा हूं बहुत कीमती तोहफा लेकिन जो लोग इसको अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं वो किसी ने बताया ना शायद हमने भी जिक्र किया था कि किसी ने बताया था कि एक एक बुजुर्ग हरम मदनी के अंदर उनको मिले थे अब उनसे जो भी सलाइक हुई तो उनसे उन्होंने कुछ मांगा कि जी कुछ दुआ कर दीजिए या कुछ बता दीजिए जो भी इस टाइप का तो कहते हैं उन्होंने कागज निकाल कर इनको दिया जमीन और आसमान का ये खजाना है क्या था वो उसमें दरूद नारिया लिखी हुई थी क्या है ये कि ये ये जमीन व आसमान का खजाना है उन बुजुर्ग ने ऐसा कहा था मतलब ये बात हमने पहले जिक्र की थी जहां हमने जिक्र किया वहाँ तफसी किया था उसको आप देख देख ले दरुद नारिया से फायदा उठाया करें इसमें बड़े मजे की बात यह है कि आपको अकेले ही नहीं पढ़ना पड़ा रहा चार हजार चार सौ चवालीस मैंने तो जो पहली मरतबा एक बहुत बड़ी मुश्किल में मैंने पढ़ा था बहुत सालों पहले तो मैंने तो मैं चूंकि सफर में था वहीं एक मसला पेश आया था तो मैंने तो चार हजार चार सौ चवालीस अकेले नहीं पढ़ डाला था अल्लाह की फजल से लेकिन अलहदुल्ला अभी ये आदत मेरा पूरा नहीं हुआ था उससे पहले पहले मेरा काम हो गया था जो भी दिन लगे उसमें दो दिन चार दिन जितने भी मुझे वक्त लगा अलहमद्ला मैंने अल्लाह की तोफीक से अकेले ही पढ़ लिया था और फिर एक ग्राउंड और कर लिया था बतौर शुक्रिया तो काम तो पहले ही हो गया था लेकिन अब बतौर शुक्रिया चार हज़ार चार सौ चवालीस एक और पढ़ लिया तो उस पर उससे और मज़ीद फ़ायदा हुआ फिर अभी हाल फिलहाल में इसी मसले के लिए किसी कुछ अपने मुखलसिन से उनके बच्चों को बिठा के पढ़वाया तो ये समझिए कि उनका मैसेज आया है कि हमारा अदद पूरा हो गया है चार हजार चार सौ चवालीस और उसके मान पहले थोड़ी बहुत देर पहले पैगाम मिला कि वो काम हो गया है यानी काम हो गया है कि खबर पहले मिली अदद पूरा हो गया है कि खबर बाद में मिली और अगले रोज फिर एक और मसला था अल्लाह के करम से हैरत में पड़ जाने के, के तरीके पर वो काम हुआ है। हैरत में पड़ जाने के तरीके हो मतलब जिससे आप मायूस हो हो चले हैं वो काम हो जाए आपका तो आप क्या करेंगे आप अपना सर धुनेंगे खुदा या कैसे हो गया ये तो आप ही ने कर दिया था ना ऐसा आदमी बिल्कुल दीवाना हो जाता है अल्लाह तेरा कैसा करम हो गया कर दिया ये दुरिया की इसलिए हम आपको मशवरा देते हैं अपने बहुत ज्यादा मुश्किल कामों में आप जरूरत नारिया से काम लीजिए एक बात तो यह कि आपको बहुत लंबे लंबे वजायफ से छुट्टी मिल जाएगी बड़े लंबे लंबे वजीफे पढ़ने से छुट्टी मिल जाएगी इसको कितने दिन में पढ़ लोगे मैं समझता हूँ चार दिन में पांच दिन में एक आदमी अकेला अकेला आदमी अगर पढ़ता है तो चार पाँच दिन में पढ़ लेगा और सब अहले खाना मिलकर पढ़ रहे तो दो दिन में पढ़ लेंगे ज्यादा से ज्यादा हो गया अरे भाई तीन दिन लग जाएंगे अरे मोहतरम एक हफ्ता लग जाएगा कौन सी बात हो गई काम तो हो जाएगा इंशाल्लाह ऐसा समझिए जैसे किसी बहुत बड़े काम के लिए किसी मंत्री जी ने कह दिया है। अरे जाओ चलो हो जाएगा तो कितने से उठ कर आते हैं ना आप यार मंत्री जी ने कह दिया आप तो हो ही जाएगा है ना लेकिन दरूद नारिया उससे भी आगे आप फायदा उठाइए और सारी उम्मत तक पहुंचाइए रजाकमल असलकुम